हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में समझेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज को पार्सल मोलर वॉल्यूम तथा तो पार्सल मोलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ आपको एक हेरिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपेरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा सो so, इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं विद दिस

जाता है क्योंकि ये जो पार्सल मोलर वॉल्यूम होता है ये चौदह ये जो चार एम का डिफरेंस है ये बाइनरी इंट्रेक्शन के कारण होता है ये सी एस थ्री ओ एच मिथेनोल एन एच टू के बीच दोनों डिफरेंट कम्पोनेट्स हैं इसके कारण इनमें बाइनरी इंट्रेक्शन होता है जिससे इस प्रकार के डिफरेंस उत्पन्न होते हैं इसी को ही पार्सल मोलर वॉल्यूम कहा जाता है और ये जो पार्सल मोलर वॉल्यूम होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं जैसे हीट वॉल्यूम फ्री एनर्जी मास ये सब डिपेंड होते हैं पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज पर सो पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए

थ्योरी लिखना होता है तो थ्योरी में सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को देखते हैं सो जी एन लेवीस इंट्रोड्यूस थर्मोडायनेटी कॉल्ड पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज ओके सो लेविस जो थे उन्होंने ओकेमोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनिक uh, प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया जिसे पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है उन्होंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया ओके एंड दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी अ फंक्शन नॉट ओनली ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बट ऑल्सो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए फंक्शन नहीं होते हैं बल्कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेरियस कंपोनेंट्स में जो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए भी फंक्शन के रूप में वर्क करते हैं

हमारा पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज है ये ये जो होते हैं फंक्शन होते हैं प्रेशर टेम, टेम्परेचर एंड मोल्स के लिए तो इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं नाउ अब हम ये जो है हमारे इक्वेशन फर्स्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंसिएट करने के के बाद हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है इन द सिस्टम पार्सल डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऑफ इक्वेशन फर्स्ट तो हमको इस प्रकार के ये जो है इक्वेशन uh, प्राप्त होंगे ये सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या होगा किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये डी एक्स इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल्टी ये टेम्परेचर है ये टेम्परेचर अंदर है तो यहाँ पे डी जो है डिफ्रेंशिएट के रूप में इसमें वर्क करेगा इसी प्रकार यहाँ पे प्रेशर अंदर है तो प्रेशर uh, जो है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रेशर के अकॉर्डिंग uh, तो इसको इस प्रकार

तो इस प्रकार से ये जर्ण, जनरल जनरल इसका फॉर्मूला है अब यहां पे आप देखेंगे तो पार्स, ये जितना भी हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अभी देखा उसको इस प्रकार से आप थ्योरी में लिख सकते हैं सो पार्सल मोलर क्वांटिटीज फॉर अ गिवन सिस्टम इम्प्लाय इंक्रीज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ इट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मोल ऑफ अदर सब्सटेंस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टू सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सिस्टम दैट देयर अकर्स नो अप्रिसिएबल चेंज इन द ऑफ ओके, okay, so ये है थ्योरी है जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उसी का थ्योरी इस प्रकार आप सेमेस्टर में लिख सकते हैं। तो ये था पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज का पार्सल मोलर वॉल्यूम जो है वो सेम होता है पर जब पार्सल मोलर क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड एज फेलो सो दो पार्सल uh, जैसे कि अगर हम uh, हमने यहाँ पे एक्स लिया था जब हमने जनरल uh, मैथमेटिकल इसका जो है uh, फॉर्मूला निकाला था तो यहाँ पे हमने x से डिनोट किया था किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को उसके जगह हम ये वॉल्यूम ले सकते हैं अगर वॉल्यूम को लेते हैं इसके ऊपर बार पुट करते हैं तो ये पार्सल मोलर क्वांटिटीज़ हो गया इसका जो है ये इसका जो है ये होता है फॉर्मूला डेल वी अपॉन एन आई टी टेम्परेचर एंड ये मोल्स उसके अलावा अगर हम ये जो एंट्रॉपी है अगर इसके ऊपर बार पुट कर देते हैं तो ये भी एंट्रोपी का पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज शो करता है एंड इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अलावा ये जी आई के लिए ये फॉर्मूला होगा तो इस प्रकार से पार्सल मोलर वॉल्यूम्स को अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं उनके लिए हम इसको शो कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दो बाइनरी मिक्सर्स को एड करते हैं तो उनके बीच वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है उसको पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और सेमेस्टर एक्जामिनेशन के लिए ये जो है इसका बेसिक डिफ्रेंसिएशन है इस प्रकार से ये फॉर्मूला को आप जो है निकाल सकते हैं एंड पुट कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए नोट्स भी आपके हेल्पफुल होंगे यानी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो so, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग